हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से, जैसा कि आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सबकी सोमवार से या मंडे से जो भी क्लास होगी वो आपकी क्वालिटी की होगी। किसकी होगी? क्वालिटी की होगी। तो आज से आपको क्या मिलेगा? क्वालिटी की क्लासें मिलेंगी। अभी इसके जो पहले हम लोग आज निर्धारित कर लेते हैं कि किन टॉपिक पे बात होगी, किन टॉपिक पे इसमें बात होगी। सबसे जो बड़ा मुद्दा है संविधान में, तो किन मुद्दों पर हम बात करेंगे इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। और इतने मुद्दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब उन मुद्दों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी छुट्टी रहेंगी तो उन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोटा मोटा आप लिखेंगे संवैधानिक विकास, आप टॉपिक डाल लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से नंबर डाल लीजिएगा संवैधानिक विकास क्या होगा। सबसे पहले हम संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा नंबर डालें। इन टॉपिकों को पढ़ने का एक मतलब बहुत अच्छा तरीका भी मैं बताऊंगी कैसे कैसे इनको पढ़ना है। फिर अगला आप बताएंगे संविधान निर्माण, क्या बताएंगे? संविधान निर्माण, ये आपका दूसरा टॉपिक होगा, मतलब ये आपको बताया जाएगा। फिर आप इसके नीचे संविधान निर्माण के नीचे आप डाल सकते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं, जो आपको 5-10 मिनट में बताई जाएंगी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं। संविधान की क्या हो गई? मुख्य विशेषताएं हो गई। फिर आपका चौथा नंबर आएगा, क्या आएगा? आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ से आपकी चीजें संविधान की शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छे से संविधान बताई जाएगी। जितना आपको बताया जाए आप बस उतना करते जाइए। फिर आपकी हो जाएगी नागरिकता, फिर आपका क्या हो जाएगा? नागरिकता। फिर आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, आप लिख सकते हैं मूल अधिकार या इन्हें मौलिक अधिकार। हर जगह बुक में अलग अलग मिलता है, कहीं मूल अधिकार कहीं पर मौलिक अधिकार, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आप ऐसे लिख सकते हैं, इनको DPSP बोला जाता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आठवें नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मूल कर्तव्य आपके हो जाएंगे। क्या लिखेंगे आप? मूल कर्तव्य हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद आप 9 नंबर, इतनी चीजें आपको ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपको 9 नंबर पे क्या हो जाएगा? आपको संसद बताई जाएगी, क्या बताई जाएगी? पार्लियामेंट बताई जाएगी। संसद में आपका क्या आ जाएगा? आपका संसद में क्या आएगा? आपका राष्ट्रपति आएगा, आपका आपके प्रेसिडेंट आएंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मतलब आपके PM आएंगे। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की भी बात की जाएगी। ये आपके इतने टॉपिक इसमें आ जाएंगे 9 नंबर पे। आगे आप लीजिए, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो टॉपिक जरूर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा? आपका विधानमंडल, मतलब राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के बारे में जानेंगे हम लोग। तो राज्य के विधानमंडल में आप क्या लिखेंगे? गवर्नर या राज्यपाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्यपाल लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर मतलब CM लिखेंगे। और आपके जो राज्य में मतलब विधानसभा और विधान परिषद है उसकी बात की जाएगी, विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाएगी, ठीक है। इतनी आपकी मोटी मोटी बातें की जाएंगी। फिर आपका जो और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी जुडिशरी या न्यायालय, तो यहाँ पर आपकी क्या बात की जाएगी? यहाँ पर आपके दोनों न्यायालय की, मतलब आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर बात की जाएगी और आपके हाई कोर्ट की भी बात की जाएगी। फिर आपका हो जाएगा CS, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप की बात की जाएगी यहाँ पर, सेंट्रल मतलब केंद्र राज्य संबंध के विषय में आपसे बात की जाएगी। फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा संविधान संशोधन के बारे में मैं चर्चा करूँगी, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की जाएगी आपसे, और बहुत ही अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको विस्तार से बताए जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका हो जाएगा अगला पॉइंट संवैधानिक निकाय, या आप संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय लिख सकते हैं। गैर संवैधानिक निकाय की बात की जाएगी,
गैर संवैधानिक निकाय की बात की जाएगी और आपका एक ये पॉइंट जो है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, इतने टॉपिक आप सबसे पहले इतने आप लिख लीजिए, इनके विषय में मैं बात करूँ। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इनको एक या दो क्लास में ही निपटा दिया जाएगा, इसलिए इनको अलग लिखा जाता है। जैसे कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है तो विशेष प्रावधान के विषय में बात बताई जाएगी आपको, क्या बताई जाएगी, विशेष प्रावधान के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में बताया जाएगा आपका। आपका जो आपातकाल है उसके बारे में बात की जाएगी, क्या है आपातकाल, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको नोट करवा देती हूँ, ये बहुत ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, जैसे ये आपातकाल तो आपका 20 मिनट में सारा का सारा बताया जा सकता है, मैं बताऊंगी बीच से। तो जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये टॉपिक आपके क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ाते पढ़ाते अगर छूट गया तो आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक छूट गया, आप इसे बता दीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। और आपका फिर यहाँ पर क्या है, ये भी आप इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा आपका। और आपका उसके बाद क्या हो जाएगा, स्थानीय निकाय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इतने आपके कुछ टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संसद आपका पूछा जाता है, पार्लियामेंट आपका इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आप लिख लीजिए, पार्लियामेंट भी यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से, आपके इस टॉपिक से हमेशा +5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एकदम नोट कर लीजिएगा कि ये 5 प्रश्न आपके गलत ना हो पाए इन टॉपिक से, सिर्फ नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक तत्व आप पूरा लिख सकते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनको DPSP बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य आप इनके बारे में जानेंगे, संसद, यहाँ संसद को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इन चार टॉपिक से आपको कम से कम 5 प्रश्न या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप टॉपिक नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक नोट कर लिए होंगे और इन टॉपिक को आप नोट करके रखें। जैसे आपका संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इनके बारे में क्या किया जाएगा, 60 नोट्स मतलब आपका जो 60 नोट्स होगा वो दिए जाएंगे, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बताया जाएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब बहुत डिटेल में नहीं जाया जा सकता है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी, जितना मैंने लिखा है इतना मैं आपको सारा बताऊंगी, लेकिन मतलब 60 नोट्स के द्वारा कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न छूट ना पाए, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लिख लिए होंगे, अगर आप मेरे साथ साथ लिखे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उतना ही समय दिया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड है आपका, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं इसको नहीं हटाऊं। तो चलिए, तो आज क्वालिटी शुरू करते हैं हम लोग। तो आपका कहाँ से शुरू किया जाएगा, संवैधानिक विकास क्रम, संवैधानिक विकास क्रम कैसे है, ठीक है, संवैधानिक विकास क्रम, तो आप कैसे इसे याद करेंगे कि संवैधानिक विकास क्रम को, ठीक, संवैधानिक विकास क्रम को आप जैसे मोटा मोटा कैसे याद करेंगे कि आज 1773 से लेके कहाँ से, जहाँ से कंपनी का शासन यहाँ से शुरू होता है ना, 1773 से शुरू होता है और कहाँ तक ये जाता है आपका, 1947 तक जाता है, कहाँ तक जाता है आपका, 1947 तक जाता है। तो कहाँ से शुरू होता है, 1773 से 1947 तक जाता है। तो कैसे बताएंगे इसे, किन दो भागों में बांटा जाता है, तो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि होगी आपकी, यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी किसे, संवैधानिक विकास को समझने के लिए, ठीक है ना। तो 1773 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर कंपनी का शासन चल रहा था, किसका, कंपनी का शासन चल रहा था, कंपनी का शासन कब तक चला, 1773 से लेकर 1858 तक चला, कब तक चला,
1773 से लेकर 1858 तक आपका क्या चला, कंपनी का शासन। मतलब यहाँ पर जैसे भारत में ये लोग राज्य करते थे, राज्य मतलब अपना शासन चलाते थे, और जो भी कुछ जीते थे जो वो तो कंपनी के पास पहुँचाते थे। फिर लेकिन यहाँ पर क्या है, ताज का शासन आया। जैसे क्या आया, आप यहाँ लिख सकते हैं ताज का शासन आया। ताज का शासन कब तक चला, तो 1947 तक। कब से, 1858 से। 1858 में जब काफी यहाँ पर बदलाव किए गए, तो 1858 से 1947 तक क्या किया, ताज का शासन, मतलब कंपनी से शासन छीनकर ताज मतलब डायरेक्ट अपने हाथ पर शासन ले लिया गया था। ठीक है, तो यहीं से बात आपकी शुरू होती है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, क्या शुरू करेंगे, 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके विषय में हम लोग क्या जानेंगे, मोटी मोटी कुछ बातें जानेंगे, और उनको आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, क्योंकि आपको संविधान ना बहुत अच्छे से बताई जाएगी, बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, बहुत अच्छे से बताई जाएगी। जैसे आपको भूगोल बताई गई है, वैसे आपको संविधान उससे भी बेहतर बताई जाएगी। तो इसलिए आप, तो यहाँ पर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बदलाव हुआ। जो आपके गवर्नर बंगाल के थे, ये गवर्नर हैं और ये बंगाल है, ठीक है ना, आप इसे ऐसे समझिएगा। तो ये जो गवर्नर बंगाल के थे, तो इन्हें क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बंगाल। ये आप बी छोटा लिख सकते हैं, गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल बंगाल। तो आप यहाँ बताएंगे, गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे, तो उनका पद चेंज करके क्या कहा गया, गवर्नर जनरल बंगाल या बंगाल के गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, ऐसे आप लिखते चलिए, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो आप लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना, ये आप याद करते चलेंगे। इनको समय समय पर जहां पर भी परिवर्तन किया गया है, वहां पर मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है ना, क्या की है यहाँ पर, इनको याद करते चलेंगे। ये क्या है, बंगाल के गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स जी थे, ठीक है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर वारेन हेस्टिंग अब अकेले तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जैसे तो अकेले तो शासन चला नहीं सकते थे, या अकेले कंपनी को नहीं संभाल सकते थे, तो यहाँ क्या किया गया, सहायता के लिए, सहायता, इनकी सहायता के लिए एक चार सदस्य क्या याद करेंगे, चार सदस्य क्या कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, क्या किया गया, गठन किया गया, चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। इतनी बातें आप मोटी मोटी कहाँ याद करेंगे, सबसे पहले 1773 का क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहां पर बंगाल के गवर्नर जो थे उनका पद चेंज करके क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अब वारेन हेस्टिंग्स जो थे, तो वो पूरे बंगाल या पूरा शासन नहीं संभाल पा रहे थे, तो ये पद, ये जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चार, ये पूछा जाता है कार्यकारी परिषद का गठन कब किया गया था, तो आपके 1773 में किया गया था ना। ये बातें आपको मोटी मोटी समझ में आनी चाहिए और समझना भी चाहिए। चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, किसके लिए किया था, किया गया था सहायता के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिएगा, आप समझ जाना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, स्थापना की गई कहाँ पर, 1773 के अंतर्गत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। परंतु जैसी आज की सुप्रीम कोर्ट है, वैसी नहीं थी ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि आज की सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी वहीं पर अपील की जा सकती, परंतु इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके लिए एक और आई, क्या आई, प्रीवी काउंसिल, क्या लिखेंगे आप, ऐसे पहले लिख लीजिएगा, प्रीवी
प्रीवी काउंसिल, ठीक है ना। तो ये जो प्रीवी काउंसिल थी ये इसलिए लाई गई, ये किस लिए लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील का क्षेत्राधिकार इसके पास था, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। आप बिल्कुल ये पॉइंट याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध, क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील का क्षेत्राधिकार था इसके पास। क्या था? क्षेत्राधिकार था किसके पास? प्रीवी काउंसिल के पास, ठीक है ना। ये बातें आपको मोटी मोटी याद रहनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के विषय में आपको ये मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। हाँ, ये एक पॉइंट छूटा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो 1773 के अंतर्गत हुई स्थापना, तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें क्या थे? 3+1, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 न्यायाधीश थे। क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 न्यायाधीश थे। तो आप इनके बारे में जान लीजिएगा कि एक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपके कौन थे? सर एलिजा इम्पेजी थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पेजी थे। आपको ये पॉइंट मोटा मोटा याद होना चाहिए, ठीक है ना। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे जी थे, ठीक है। अब ये जो 3 सदस्य थे, अब आप इन 3 सदस्य के भी नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अन्य जो 3 सदस्य थे उनमें कौन कौन से थे। तो आप उनमें लिख लीजिएगा, हाइट थे, हाइट पहले आपके क्या हो गए, इन 3 में से हैं जो अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनमें से क्या है, पहले हाइट हो गए, दूसरे आपके चैम्बर्स हो गए, चैम्बर्स जी थे, कौन थे? चैम्बर्स थी। और तीसरे आपके लेमेंस्टर जी थे। क्या थे? लेमेंस्टर जी थे। तो ये आपको 3 नाम, आपको हाइट, चैम्बर्स, लेमेंस्टर और एलिजा इम्पे जी। तो पहले कितने लोग थे मुख्य न्यायाधीश में, मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट में? तो ये 4 सदस्य थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने कितने मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश कितने, मतलब टोटल आप लोग कमेंट करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई आपको आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो आपको इतनी बात ये मोटी मोटी पता होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं 1784 वाले में, ठीक है। तो इतनी बात आप लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी और आपको बहुत अच्छे से ये समझाया भी जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 1700 या आप लिख लीजिएगा पहले पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लिखेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, उसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। 1784 से पहले एक और आया था 1781 में। क्या आया था? 1781 में। ये पॉइंट देखिए दिमाग से बिल्कुल निकला जा रहा था। तो क्या कहेंगे इसे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो, हाँ, ये जो एक्ट था 1781 का, जो एक्ट आया था 1784 से पहले, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें ये बताया गया कि जो 1783 में, जो 1783 में, सॉरी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रयोग किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है ना। ये बात आ, कभी कभी जैसे आरओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें पूछने की संभावनाएं आपकी जताई जा सकती है इस प्रश्न में कि 1781 को कौन सा एक्ट आया था। तो आप क्या बताएंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां थी उनमें सुधार के लिए आया था, ठीक है ना। उनमें क्या करने के लिए? सुधार या कमियों को दूर करने के लिए आया था, उन कमियों को दूर करने के लिए आया था। अब आप जैसे लिखें पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? एक
गठन हुआ BOC, ठीक है। BOC का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर स्थापना की गई। मतलब कंपनी जो है, जो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू के हैं या पिट्स इंडिया एक्ट से पहले जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही थी, वो क्या बनाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब अपने हाथ में सारा शासन ले ली, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंध करेंगी, क्या करेंगी, इसका क्या मतलब है, कंपनी के, आप इसे लिख लीजिए, कंपनी के राजनीतिक, ये चीजें आपको ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंध करेंगे, मामलों का प्रबंध करेंगे, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्या करेगी, कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंध करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सारा कुछ कंपनी ने अपने हाथ में ले रखा है, वो तो 1773 से मतलब चला ही आ रहा है कि कंपनी का शासन चलेगा, कंपनी ही सब कुछ यहाँ पर कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपको मोटी मोटी बातें पता होंगी। पहली बार यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया पहली बार ब्रिटिश, क्या है, ब्रिटिश अधिपत्य, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र बताया गया, मतलब भारत में इन लोगों ने बताया, आप ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लीजिएगा, कौन बताया, कंपनी ने बताया कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र होगा, मतलब कि भारत में जो भी कुछ हम जीतेंगे वहां पर मेरा शासन होगा, इसका कहने का मतलब, इस लाइन का यही एक मतलब निकल रहा है कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, मतलब यहां पर हम जितना कुछ शासन कर रहे हैं या हम जिस क्षेत्र को विजित कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहां पर मेरा अधिपत्य या मेरा अधिकार होगा या मेरा क्षेत्र होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ कही गई, आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कही गई। इस तरह के ही प्रश्न आपके पेपर में बन के आते हैं कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र किस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है, तो आप क्या बताएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कहा गया है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वैध शासन लागू हुआ, यहाँ पर क्या लागू हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत हुई या द्वैध शासन हुआ, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, क्या हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यहाँ से कहाँ से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आप क्या हुआ, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और ये द्वैध शासन कब तक चला, मतलब यहाँ से तो शुरुआत हो गई लेकिन कब तक चला, तो ये आपके 1858 तक चला, जब तक मतलब वहाँ की जो रानी थी, जब तक उन्होंने अपने हाथ में, मतलब ताज शासन नहीं हुआ, जब तक उन्होंने अपने हाथ में शासन नहीं लिया, तब तक यहाँ पर क्या चला, द्वैध शासन चला, क्योंकि कंपनी भी शासन करती थी और वो भी शासन करती थी, वो इन पर दबाव डालती थी, तो ये यहाँ से धन लूटते थे, मतलब सब कुछ करते थे, क्षेत्र लूटते थे या क्षेत्र विजित मतलब जीतते थे, वहाँ के लोगों को शासन, उनके लोग वहाँ के लोगों के ऊपर शासन करते थे, तो यहाँ पर इस तरह द्वैध शासन हुआ। कब तक चला, ये 1858 तक चला, फिर उसके बाद जब क्राउन के हाथ पर चला गया शासन, मतलब सारा का सारा ताज के हाथ पर शासन चला गया, तब ये लोग, ये द्वैध शासन आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। 1858 तक ये क्या रहा, विद्यमान रहा, यहाँ पर कहाँ तक विद्यमान रहा। आप जैसे ये 60 नोट या आपको इतने में पता है सारी चीजें, आपके प्री की सारी चीजें आपकी इतने में इंक्लूड हो जा रहे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इस चीज से एकदम निश्चिंत रहे। ये हो गया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 1813 का चार्टर एक्ट, किसकी बात करेंगे, 1813, आगे आप लिख लीजिएगा चार्टर एक्ट, ठीक है, क्या, 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें आप मोटी मोटी बातें जानेंगे
कि व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? पहला पॉइंट, व्यापार का एकाधिकार, एकाधिकार आपका क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार आपका समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, चीन, चीन के साथ व्यापार, प्लस चाय का व्यापार, चाय का व्यापार, इनको 20 साल के प्लस 20 वर्षों की अनुमति मिल गई थी। बाकी जितने व्यापार, क्योंकि अभी तक तो क्या चला रहा था, व्यापार ही चला रहा था ना, तो अब यहाँ पर व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इतना 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए इन्हें रखा गया था। मतलब आगे 20 आपका 1833 का चार्टर एक्ट आएगा तो वहां पर ये भी समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर किसका अधिकार रहा, यहाँ पर आपके अभी भी किसका अधिकार था, तो कंपनी का अधिकार था, किनका, कंपनी राइट, कंपनी का अधिकार या राइट आप लिख सकते हैं, कंपनी का ही यहाँ पर अधिकार था, ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी हो गई 1813 की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चीन के साथ व्यापार है, चीनी नहीं था, जैसे आप कुछ बच्चे चाय और चीनी पढ़ लेते हैं कि चाय और चीनी का व्यापार, नहीं, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इतना 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, बाकी जितने व्यापार थे उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके 1813 का चार्टर एक्ट। अब आगे हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, क्या बात करेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें आप मोटी मोटी बातें क्या जानेंगे, सबसे पहले तो मोटी बात यही जानेंगे कि व्यापार का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया, एकाधिकार समाप्त, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, उतना लिखने से आप समझ जाएंगे कि व्यापार का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, या पूर्णता आप संपूर्ण भी लिख सकते हैं, आप पूर्णता इसको क्या करेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट कामा में या डबल कामा में बंद कर लेंगे, क्योंकि यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर पूर्ण एकाधिकार समाप्त हुआ था व्यापार का और कहाँ पर चाय और चीन को छोड़कर। तो आप याद करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट पर चीन के साथ और चाय का व्यापार केवल बचा था, बाकी सारे आपके व्यापार या व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले क्या काम किया गया, यही काम किया गया, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक विधि आयोग स्थापित किया गया, क्या किया गया, विधि आयोग स्थापित किया गया, विधि आयोग यहाँ पर स्थापित किया गया 1833 के चार्टर एक्ट स्थापित करने, 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग स्थापित किया गया। फिर यहाँ पर विधि सदस्य की यहाँ पर क्या हुई, विधि सदस्य चुना गया। तो विधि सदस्य आप लोगों को लगभग सबको पता होगा कि विधि सदस्य सबसे पहला विधि आयोग का व्यक्ति कौन था या सदस्य कौन था, तो आपके क्या थे, मैकाले जी थे। कौन थे, मैकाले थे। आप ये पॉइंट एकदम, जितने भी पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट बताए वो इस तरह बंद कर दिए हैं कहीं ना कहीं, तो आप उनको इम्पोर्टेंट कामों में या इम्पोर्टेंट बना सकते हैं उन पॉइंटों को, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसमें कहा गया है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा कानून बनाकर, क्या किया जाएगा, दास प्रथा को, इसी एक्ट के अंतर्गत बताया गया कि दास प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया जाएगा। और फिर आगे चल के ये एक्ट समाप्त भी किया गया, मतलब दास प्रथा की 1843 ईस्वी में समाप्त की गई, कब की गई, 1843 ईस्वी में क्या कर दिया, दास प्रथा समाप्त की गई, कर दी गई, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है, तो वहां पर कितनी बातें आपको याद करनी, मात्र 3 बातें आपको याद करनी है। सबसे पहले कि यहाँ का संपूर्ण एक व्यापार का संपूर्ण एकाधिकार या पूर्णता अधिकार समाप्त कर दिया गया।
1833 के चार्टर एक्ट से ही विधि आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद आपका क्या हुआ, दास प्रथा यहाँ पर कानून बनाकर समाप्त कर। अब 1833 में ये बात कही गई, फिर इस पर कानून बने और उसके बाद 1843 में दास प्रथा भारत से समाप्त कर दी गई। ठीक है ना, तो ये बात हो गई आपकी 1833 की चार्टर एक्ट की। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आपके आगे बात करते हैं। ये आपको बहुत लंबे और बहुत लेंदी नहीं लगेंगे, इनको कुछ टीचर लेंदी बनाकर पढ़ा सकते हैं लेकिन ये लेंदी बिल्कुल नहीं है। आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये बात, या ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगला है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। क्या आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट आएगा आपका। इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई, जो आपकी सिविल सेवा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा जो आपकी है, यहीं से क्या की गई, खुली प्रतियोगिता या परीक्षा का आरंभ किया गया। कहाँ से, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये पॉइंट आप एकदम इम्पोर्टेंट करके रखेंगे, क्या करके रखेंगे कि सिविल सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई, तो आपके 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। यहाँ पर एक विधान परिषद का गठन किया गया था, उसी को अब आज क्या बोलते हैं, भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये दो पॉइंट इसमें 1853 के। सबसे बड़ी बात, इसमें सिविल सेवा शुरू की गई थी और यहाँ पर सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया था। कहाँ से, 1853 के चार्टर एक्ट से। तो ये भारत में हो रही थी तो भारत के लोग भी इसमें भाग लिए थे क्योंकि खुली प्रतियोगिता थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1858 का चार्टर एक्ट। क्या देखेंगे, 1858 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1858 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या किया गया, इसको किसी और नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया, इसको किसी दूसरे नाम से भी जाना गया, तो आप पहले वो जानेंगे। तो यहाँ पर पहले ये जानेंगे, तो जो गवर्नर जनरल, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ से क्या किया गया, मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बताना भूल ही गई, वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी चेंज हो गए थे। ठीक है ना, क्या हुए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हुए थे। तो आपका जो 1833 का चार्टर एक्ट था, आप यहाँ पर लिख लीजिए कहीं 1833, मुझे याद आया कि मैंने ये तो जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस चार्टर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो शायद आप लोगों को पता होगा, विलियम बेंटिंक थे। कौन थे, विलियम बेंटिंक। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो विलियम बेंटिंक जी थे। कब थे, 1833 में, इनको कब किया गया, 1833 में। ये बात आप मोटी मोटी याद कर लेंगे, वहां पर आप लिख लेंगे, मैंने वैसे भी बोल रखा है कुछ भी आप लिखिए, दो तीन लाइनें आप छोड़ दें कि कुछ भी नया ऐड हो सकता है, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं छूट पाएंगी, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसे एक्ट फॉर द बेटर, इससे किस दूसरे और किस नाम से जाना गया, एक्ट फॉर द बेटर, किस नाम से जाना जाता है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसे किस नाम से, जो 1858 का चार्टर एक्ट है, इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बात आप मोटी मोटी याद रखेंगे। फिर यहीं से जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 1858 के तहत सबसे ज्यादा जो चार्टर एक्ट के तहत कौन सा, कि गवर्नमेंट ऑफ, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के
को क्या कहा जाने लगा, तो वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर आपका इसके आगे आता है, इसमें बस यही दो पॉइंट है, और बहुत ज्यादा आप माथा पच्ची बिल्कुल ना करें। यहाँ से जो बताया जा रहा है बिल्कुल फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं। इसके बाहर आपका शायद, हमें नहीं लगता कुछ और आएगा, जो भी कुछ आएगा यही फंस जाएगा आपका, और जो आएगा तो अब 100% की गारंटी तो कोई नहीं लेता। हम जो लेते होंगे वो टीचर लेते होंगे, लेकिन मैं 100% की गारंटी बिल्कुल नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरा जितना काम है मैं उतना आपको बताती हूँ। अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम। क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें आप मोटी मोटी बातें जान लें। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। जो आपका विधि निर्माण था, मतलब आपकी जो विधि आयोग तो पहले ही बन चुका था, अब विधि निर्माण मतलब कुछ भी बनाने के लिए क्या किया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। क्या किया गया? विधि निर्माण में, आप ऐसे लिख लीजिएगा ये पॉइंट, विधि निर्माण में भारतीय भारतीय प्रतियोगियों को शामिल किया गया। बहुत खुशी की बात थी कि शामिल किया गया, क्योंकि तब तो लोग एकदम उतावले थे कि कब अंग्रेज कहें हमसे कि हमें शामिल कर लो, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। परंतु विधि निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों को या प्रतियोगियों को, प्रतिनिधियों लिख लीजिए, प्रतियोगियों को शामिल किया गया, शामिल करने की शुरुआत हुई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप जानेंगे, क्या जानेंगे कि 1862 में, 1862 में क्या हुआ था, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने एक बैठक की थी। क्या की थी? विधि परिषद में मनोनीत किया था एक भारत, कितने भारतीयों को, तीन भारतीयों को। तो कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा, ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव जी थे। तो कौन कौन से? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव जी थे। इनको क्या किया गया? विधान परिषद में, कहाँ पर? विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। विधान परिषद में बहुत बड़ी बात थी तब, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। कौन कौन से थे ये जरूर याद रखना, कि बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव जी थे, जिन्हें क्या किया गया था, विधान परिषद में मनोनीत किया गया था, ठीक है ना। फिर अब मनोनीत किया गया तो फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आके जुड़ जाता है कि कंपनी अध्यादेश भी, अब कंपनी का तो यहाँ से मतलब शासन पूरा खत्म हो गया था 1858 के बाद। तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी आ गई थी। क्या आ गई? अध्यादेश जारी किया गया, कहाँ से? आपके 1861 के भारत परिषद अधिनियम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके 1861 के भारत परिषद अधिनियम, और इसकी अधिकतम कितनी थी? तो 6 माह, जैसे आज है वैसे पहले भी थी, 6 माह तक थी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके 1861 की। आगे बात कर लेते हैं, एक आध पॉइंट और बताते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, बाकी आपकी आगे क्लास ली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अब 1861 के बाद आपका आएगा 1909। क्या आएगा? भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम ये आप जरूर अन्य नाम याद रखना, मार्ले मिंटो। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है।
मार्ले मिंटो सुधार, आप लिख सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपके 1909 से ही हुई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, शुरुआत आप लिख लीजिएगा आगे पूर्वज, शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से या 1909 के भारत परिषद अधिनियम से, ठीक है ना। इतनी बात आपकी हो गई, क्या हो गई, 1909 की। आगे है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाएगा, शायद आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप किसे बताएंगे, लॉर्ड मिंटो को, कौन था, लॉर्ड मिंटो था आपका, ठीक है, लॉर्ड मिंटो था। केंद्रीय परिषद में सीटों की संख्या यहां से बढ़ाई गई थी, जो आपकी केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय परिषद में, ये पॉइंट जरूर याद रखना, केंद्रीय परिषद में सीटों की संख्या बढ़ाई गई, तो कितनी थी, पहले इसकी संख्या 16 थी और इसमें बढ़ाया गया 1909 में, तो आपकी कितनी हो गई थी, 60 हो गई थी, ठीक है ना, 16 से 60 हो गई थी, कितनी हो गई थी, 16 से 60, केंद्रीय परिषद में सीटों की संख्या 16 से 60 हो गई थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये पॉइंट होगा कि इसमें भारतीयों को बजट पर चर्चा करने के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, जो बजट पर चर्चा करने, बजट पर चर्चा करने के लिए पूरक अनुपूरक प्रश्न होते हैं, तो अनुपूरक प्रश्नों के, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किन्हें दिया गया था, तो भारतीयों को दिया था। तो क्या लिखेंगे कि भारतीयों को बजट पर, भारतीयों को बजट पर चर्चा या अनुपूरक, अनुपूरक प्रश्न पूछने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो क्या ये दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ये आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, 1919 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम या जेम्स फोर्ड अधिनियम अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं आप सबसे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को धार देते रहिएगा, पढ़ाई पे कोई लापरवाही नहीं, जैसे जैसा कि मैंने बताया था कि आपका आरओ का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होने की फुल संभावनाएं हैं और तब तक ही होगा, तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते रहिएगा, जितनी कोशिश हो सकती है हमसे कि आपका जल्दी से जल्दी ये चीज़ें, मैंने जैसे बताया कि अब ये आपका संविधान लगभग थोड़े दिन चलेगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि सितंबर में ही आपका संविधान हर हालत में ख़त्म कर दिया जाए, ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मुझे, मैं जैसे बता रही हूँ मैं इसी तरह बताऊँगी आपको, हर एक नोट करके बताऊँगी, लेकिन आपके नोट्स इसी तरह के होंगे, शॉर्ट्स नोट्स, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग शेयर भी कर सकते हैं नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पर UPSC ज्ञान दायनी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और आप वहाँ जुड़ भी सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप कहीं और जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैंने ID भी आपको बता रखी है। उसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो मैंने आप सबको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता देती हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं उनको जरूर मिल जाएगा, तो अगर वो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये कांटेक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF या कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप मतलब बोल सकते हैं, ले सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC ज्ञान दायनी पर जुड़कर वहाँ का लाभ उठाएं। वहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही लोग जुड़ते हैं तो वहाँ पर चीज़ें भी एक्टिव होंगी, आपको समय समय पर हर एक चीज़ मतलब प्रेजेंट की बताई जाएगी, कैसे क्या चल रहा है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट भी वहाँ डाले जाएंगे कि जैसे आपको करेंट से रिलेटेड कोई भी बात है तो वहाँ पर आपको बताई दे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।